अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और हमें इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जो 2 है इसको मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 को 2 के साथ किया, अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, फिर हमारे पास है प्लस। अब ये जो 3 है वो भी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 b 8 आ गया यहाँ पे, -4 इज इक्वल टू हमारे पास है 7 10 18 एंड 1। ठीक है, अब देखें 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 4, 2 को जब हमने 4 के साथ किया 8, 2 को -3 के साथ करेंगे -6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2a, प्लस 3 1s are 3, 3 को b के साथ किया 3b, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया 12, इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। ठीक है, अब देखें ये वाले जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे। जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड हो जाएगी। अब देखें 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 है, 8 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है 3b, और -6 के कोरस्पॉन्डिंग है 24, 2a के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास है 12, इज इक्वल टू आएगा 7 10 18 एंड 1। इनको अगर हम ऐड करें 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3 भी, 24 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे 18, 2a - 12 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1 आ गया। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। सही है, देखिए अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो होगी वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री भी इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है, अब अगर आपने बी की वैल्यू लेनी हो 10 प्लस 8 इधर आके -8 हो जाएगा, 3b = 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2/3। सही है, और उसके बाद देखें 18 के कोरस्पॉन्डिंग 18 है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। अगर हम कंपेयर कर भी लें तो हमारे पास 1 आ रहा है। 2a - 12 की कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 1 है, 2a = 1 + 12 आएगा, 2a = 13, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी।